Hello, everybody. I'm Krishna Abhishek, and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Ek haseena thi, ek diwana tha, kya umar, kya sama, kya zamana. डॉक्टर साहब, मुझे लगा पर्दे के पीछे आप बड़ी खूबसूरत लड़की से रोमांस कर रहे हैं। ये चुड़ैलों का बच्चा कौन था? ये क्या कर रहे हैं आप? और उसके बाल आपकी गिटार में फंस गए थे, फिर आप निकाल रहे थे। मेरे पेचे लड़ते रहते हैं सिद्धू साहब। डॉक्टर साहब, कर क्या रहे हैं आप बताइए? मैं ये वो ना, बरसात नहीं हो रही थी, बादलों में ना उंगली करके छेद कर रहा था मैं। आ जाओ मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ, तुम भी कर रहे हो मेरे साथ, आओ। कर क्या रहे हैं ये वो? व्हाट अ बिजी डे एवरीबॉडी। का बिजी डे? ये सर इतने फालतू आदमी, इतने खाली आदमी है, चीटी जा रही हो ना, ऐसे उंगली करके उसका रास्ता रोक के टाइम पास करते हैं। बेकार आदमी है। चलो मैं तो चींटियों के आगे उंगली रख के रास्ता उनका खराब करता हूँ, बट तुम अपनी तरफ देखो ना, तुम हर बात में उंगली करते हो। उन्होंने किताब लिखी है, क्यों लिखी है, क्या लिखी है, उंगली कर रहे हो तुम। हेलो सर, हेलो चिंटू जी, दिस इज डॉक्टर मिश्र गुलाटे। नहीं, बड़े आदमी है, नीचे भी है, ऐसे ही अच्छा लगता है। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। प्लेजर इज ऑल माइन। ओह, दैट्स माय वाइफ। आई नो। बैठे इधर, शर्मा की रहे हो, बैठ के बात करो ना हमसे। कोई बात है करने का कि शर्मा ही जा रहे हो आप? बहू हैं हमारी, क्या शर्मा जा रहे हैं? बात करिए, क्या करने आए हैं आप? इधर बात निकालने का स्विच लगा है जिसको तुमने दबाया है। बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आदमी ब्लश कर रहा है, करने दो थोड़ा सा। ब्लश कर रहा है तो उससे अच्छा ब्रश किया करो। ब्लश कर रहे हो तो इतने नजदीक आते हैं क्योंकि तुम्हारे मुंह पे भास पड़े मेरे। दिस इज डॉक्टर मिश्र गुलाटी। हेलो, TCHNNH। TCHNNH मतलब? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। न जा रहे हम क्या दे। कैसा लग रहा हूं मैं गिटार के साथ? टू गुड। एम आई नॉट हॉट? वेरी हॉट। आपने वो पैसे कौए की कहानी सुनी है जिसमें कौए को पानी नहीं मिलता? या। आपको देख के लग रहा है उस कौए को आज तक पानी नहीं मिला और वो लोमड़ बन गया। ये गिटार ऐसे पकड़ते हैं आप? ऐसे कौन पकड़ता है गिटार? ऐसे लगता है फ्लश का हैंडल पकड़ा है। तो तुम इसको फिर खींच दो, आने दो पानी। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अरे चलो ठीक है, बात करो उनसे आप। मूड ठीक करने दो मेरे को। मूड ठीक कर दिया? ये आप म्यूजिक वाले को बोल के आए कि आप नीतू जी की तरफ देखेंगे रहो, टिंग टिंग करेगा। मेरा साला है ना उधर वाला। थैंक्स फॉर मेकिंग योर जीजा हैप्पी। क्या मैं आपको नीत्स कह सकता हूँ? Sure. ऋषि सर यहाँ बैठे हैं, बट स्टिल इट्स ऑल राइट। आप अपनी
इतने खूबसूरत कैसे हैं? आपसे किसने पूछा आप इतने बदसूरत कैसे? आप बताओ आप कैसे हैं? पूछा है किसी ने? अभी पूछा है। अभी तो आपने मेरे पेरेंट्स नहीं देखे। आप उनको देख लेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं बहुत हैंडसम हूं। पेरेंट्स आपके नाम तो बताए नहीं, आपने कभी आए नहीं? छोटे लाल गुलाटे, पापा का नाम, मम्मी का नाम रमेश गुलाटा। मम्मी का नाम रमेश क्यों है? मुझे आती थी ना तो उनके पेरेंट्स ने उनका नाम फिर रमेश रख दिया। मेरी बायोग्राफी पढ़ो तुमको पता लगेगा, मेरी बायोग्राफी में साफ लिखा हुआ है यहाँ थूकना मना है। एंड यू नो किंतु जी ऐसा नहीं है, मैं आप उनके हस्बैंड हैं, बट आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड आई एम बिग फैन ऑफ यू ऑल्सो। यू नो आपकी जो फिल्म आई थी करज, करज ये कौन सी फिल्म? करज। हाँ तो मैं कौन सा फर्ज कह रहा हूँ, मैं भी तो करज ही कह रहा हूँ। उसके अंदर आपने गिटार पर गया, पुनर्जन्म एंड ऑल। यू नो मैं उस फिल्म से इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने बहुत सारा कर्ज ले लिया। लेकिन कभी मैंने रिटर्न नहीं किया क्योंकि इन्होंने पिक्चर ही नहीं बनाई कर्ज रिटर्न। किधर है डॉक्टर? डॉक्टर किधर है? किधर है डॉक्टर? डॉक्टर किधर है? इधर है भाई, भाई बाद में आना, आई एम बिजी। आज तू पैसे देगा या जान देके जाएगा अपनी? ओह गॉड, पैसे तो नहीं है मेरे पास। फिर जान ले लो उसकी। सुनो मेरी बात। तो क्या दिख रहा है? इधर मुंह करो, 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 इधर मुंह करो। That's okay. That's fine. मैं तो खाली हूँ, मैं तो शाम तक इधर ही हूँ। तुम्हारी तो दुकानें हैं ना, काम धंधा कर रहे हो, मेरे को तो कभी भी मार सकते हो यार। थोड़ा यार बड़ा बेशरम आदमी ये। मेरे को तो कभी भी आप अटेंड। You see, सारा दिन लोगों का माइंड वॉश करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है इस दुनिया में इंटेलिजेंट होना। हाँ तो कहाँ था मैं? मार खाने से पहले इधर ही थे, उसके बाद उधर वापिस। आपको थोड़ी सी भी शर्म है आपको? आज देखिए कितनी खुशकिस्मती सेम से कितने दो खानदानी लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए It is a matter of great pride. खानदानी कहाँ से हो गए आप? चूहे दानी तो आपसे खरीदी नहीं जाती। आपको पता है मुंह में रोटी डाल के चूहा पकड़ने बैठते हैं, वो भी इतनी बासी रोटी। चूहा मैंने आज तक नहीं बोलता देखा, पर इनको गालियां देके गया। चूहा कैसे गालियां देता है मेरे को जरा बताओ। है चूहे का मुंह ही नहीं बनाया इन्होंने ठीक से, चूहा ऐसे आता है। ये तो कुत्ता लग रहा है। वो तुमने अपने मन में मेरे बारे में ऐसी धारणा बना रखी है, इसलिए इससे बाहर निकलो तुम। सर इनका मुंह देख के लगता है ये डॉक्टर होंगे। आइंस्टाइन लगते हो? आइंस्टाइन। यू विल विन द इलेक्शंस, जस्ट सी। मैं एक बात बोलना चाहूंगी। आई थिंक आपकी कोई बहन है या कोई है जिसका मेरे बेटे से शादी हो चुकी है, हनीमून हो चुका है। और मैं ये शो खत्म होने से पहले आई वुड लाइक टू गिव माय कंगन और समथिंग। मैं अपनी बहुरानी से मिलना चाहती हूँ। यस यस। सो जब शो खत्म होगा प्लीज कपिल। हाँ ये खुद ही 5 मिनट के बाद साड़ी पहन के घूम जा रही है। और ये मेरे पे नजर रखते हैं। बट नीतू जी आई मस्ट से यू आर सो प्रीटी लाइक एन एंजल। उम्र का तो लिहाज करें आप। उम्र का लिहाज मतलब वो तुमने सुना नहीं, एक दो लाइनें सुनाता हूँ अगर अच्छी लगे तो आप पसंद कीजिएगा। के जवान दिल होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है। जरनवाजी
जवान दिल होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है, टप्पा खा के जाए तो चौका है, सीधा जाके छक्का है। अब शराब पी के तो नहीं आए? मन है थोड़ा सा, अगर हो जाए तो। अच्छा, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट इफ यू डोंट माइंड। यू नो नीतू जी आए हैं, आपको भी तो बोर हो रही होंगी, यू नो यू वॉन्ट सम एंटरटेनमेंट? आपको एंटरटेनमेंट मांगता है? जी जी बिल्कुल मांगता है। बिल्कुल ओके, आइए। कहाँ से आते हैं सारे चेहरे? ये क्या कर रहा है? Maybe you just chills for some time. क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैं क्या करूं फिर? Great. I had a great time. आप लोगों ने शायद नोटिस ना किया हो, बहुत इन्होंने बारीकी दिखाई थी कि मेरी उम्र के नौजवान हो, ये नौजवान यहाँ थे, ये नौजवान थे। And you just see, मेरी उम्र के हैं। इस बात पे कोई हंसा नहीं, बट ठीक है, हंसने वाली थी। टेक यू लीव या गाइस, पप्पू यू जस्ट गेट माय पैंट एंड शर्ट। लीव या ओके सर। अच्छा नीतू मैम, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो जो आपकी फैंस हैं, और वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती थी, तो हमने कहा कि बहुत टाइम भी बचे तो आप हमें बता दीजिए, तो मैंने उनके सवाल कुछ लिए हैं। हाँ, वो उनका ये मानना है कि जो एक आम गृहिणी के साथ होता है, हाँ, क्या वो एक सुपरस्टार गृहिणी में ग्रैंडमदर? गृहिणी, गृहिणी मतलब हाउसवाइफ। वो वर्ड गृहिणी, आई डिड नो दिस। यू डोंट नो हिंदी? इट्स अ हाउसवाइफ। मुझे रियली नहीं पता है यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं गृहिणी समझा ग्रैंडमदर। गृहिणी ए, इनके सवाल है, मेरे नहीं है। अगर आपको स्टूपिड लगे, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। नो प्रॉब्लम। इनके सवाल ये कि जब खाना अच्छा बनता है तो हस्बैंड चुपचाप खा लेते हैं, तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी नमक ज्यादा पड़ जाए तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कभी? मैं, अरे पागल है, जूते नहीं खाऊंगा अगर कभी। हिम्मत है किसी को बोलने की? अजीब सवाल पूछ रहा है। मैंने पहले कहा सर ये मेरा सवाल है ही नहीं, क्योंकि मैं तो शादी नहीं हुई ना सर, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कोई है ही नहीं। होगा बेटे, होगा। फिरंगी के बाद। ये भी एक महिला का सवाल है कि जिस दिन पति घर पे रहते हैं 10 कमियां निकालते हैं किसी भी चीज में, इससे अच्छा तो बाहर ही रहे, ऐसा कभी आप सोचती हैं? रोज। ओ, किसी हमारी
माता बहन का एक सवाल है कि जिस दिन पति मूड में होते हैं, एक आध ड्रिंक कर लेते हैं, तो आई लव यू बहुत बोलते हैं, हैं? एक आध एक आध से थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए टू से आई लव यू। तो क्या ऐसा होता है कि दो चार ड्रिंक के बाद आई लव यू ज्यादा निकलता है? ऐसा होता है? ज्यादा निकलता है तो कभी निकलता ही नहीं है। आई लव यू जब होता है जब डेट कर रहे होते हैं, शादी के बाद आई लव यू नहीं होता ना, इट्स ऑल फिनिश्ड। फिर लव यू और लव होता है ना, बच्चों का लव, घर का लव, नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे, फिर वो स्टुपिड बात। वेरी ऑनेस्ट आंसर सर, आपने यस और नो में जवाब देना है। कभी आपको बहुत गुस्सा आया पब्लिक में और किसी को आपने थप्पड़ मारा आज तक? यस। किस बात पे गुस्सा आ गया था आपको? बदतमीजी पे उनके। बदतमीजी पे? एक्चुअली बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लोगों को भी ये बात समझना चाहिए, पर थप्पड़ भी नहीं मारना चाहिए। सर कभी किसी और एक्टर की फिल्म को देख के आपको लगा है कि काश ये फिल्म मैंने की होती? यस। कौन सी फिल्म? बहुत सी पिक्चरें जो अच्छी होती है वो जो मेरे हिस्से में नहीं आई। ओके। वो मुझे लगता है कि मैंने ये करनी थी, पर मैं सोचता नहीं यार तुम्हारी हाइट उतनी नहीं है, तुम्हारा वेट कुछ ज्यादा है, तो फिर मैं अपने आप को कुछ कर देता। मैम आप खुद एक सुपरस्टार हैं, आप दो सुपरस्टार्स के साथ रहती हैं, एक तो ऋषि सर, दूसरे आपके बेटे रणबीर कपूर। जोरदार तालियां इस बात के लिए। हम दोनों के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, बिकॉज आप ऋषि सर की वाइफ हैं, उतनी ही ऑनेस्ट हैं आप, उतनी ही बेबाकी से बात करती हैं। दोनों में से ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस कौन सा? आई नो इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन। जाहिर है यार, ऑब्वियसली जाहिर है कि मैं नहीं हूं। गुस्सा किसे जल्दी आता है? ये पूछने वाले सवाल। आई नो फिटनेस गुस्सा। ज्यादा लेजी कौन है? नहीं, लेजी रणबीर। अच्छा। या ही इज नॉट लेजी। वेरी गुड, क्या बात। ओके। ये ना बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, कहते अच्छा दोनों में एक्टर कौन अच्छा है? दोनों की एक्टिंग इज वेरी डिफरेंट। सोच समझ के जवाब। रणबीर एंड दे बोथ आर टॉप क्लास मेरे हिसाब से। यस। वो थोड़ा गंभीर एक्टर है, ये थोड़े अलग, इनकी इनका स्टाइल अलग है, उसका स्टाइल अलग है, बट ही डजंट कॉपी हिम, ना वो किसी को कॉपी करता है, ना बड़ी बात है, ही डजंट कॉपी एनीबडी। सो दोनों का स्टाइल है, बट दे बोथ आर नेचुरल एक्टर। सर एक हमने काफी साल पहले एक न्यूज सुनी थी कि आपने मेरे ख्याल से फिल्म में, बॉबी फिल्म में, डिंपल जी को एक रिंग देते हैं, राजेश खन्ना साहब ने वो रिंग पानी में फेंक दी थी और बाद में अपनी वाली पहनाई थी। वो क्या किस्सा क्या है सर, क्लियर? मतलब अब कहाँ पुराने मुर्दे गा, गा। सर मजा आएगा सर, आप मुर्दे गाड़ रहे हो तुम यार, वो खाड़ रहे हो, सॉरी। वो लंबा सा किस्सा है अभी, क्या मालूम क्या हुआ। वो रिंग मेरे पास है, बाद में। अच्छा? नहीं नहीं, वो रिंग अभी अरेबियन सी में है, बैंक में। अरे वो अरेबियन सी में यार, वो अभी वहीं पड़ी हुई है, मतलब तुम्हारे पास वो होगी। और वो चलो वो किस्सा कभी उन दिनों का था, अभी छोड़ो। चलो और बात। कई एक्टर्स सालों साल मेहनत करते हैं, अवार्ड की कोई इच्छा रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। ऋषि सर ने तो बचपन में ही नेशनल अवार्ड इनको मिल गया था, मेरा नाम जोकर के लिए सर आपको मिला था। तो जब आप गए नेशनल अवार्ड लेके, तो आपके पापा आपके दादाजी क्या रिएक्शन था उनका? अब देखो मैं 16 साल का था, 16-17 साल का था, मुझे क्या इल्म क्या नॉलेज थी एक्टिंग वैक्टिंग की। वो राज साहब जो करके दिखाते थे मैं उसे कॉपी करता था और वो एक्टिंग हो गई, तो उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड पुरस्कार दिया गया, तो मैं बड़ा खुश था। पहले ही मालूम पड़ गया था पुरस्कार तो मिल गया जब, लेकिन फिजिकली जब मुझे मिला जी, तो मैं घर गया तो पापा ने कहा कि जाओ अपने दादा को जाके उनके चरणों में जाके डालो। तो मैं वहाँ गया दादाजी के यहाँ और मैंने वो जो पुरस्कार था मैंने दादाजी के चरण में रख दिया, तो उन्होंने वो पुरस्कार उठाया, उन्हें देखा, माथे पे ऐसे लगाया और उनके आंखों में आंसू आ गए। तो मैं घबरा गया कि मैंने कोई गलती हो गई कि दादाजी के आंखों में आंसू आ गए। तो उस वक्त तो बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज मैं उसका मतलब समझता हूँ कि उसने उस वक्त उन्होंने कहा था मेरे से कि राज ने मेरा कर्जा उतार दिया। क्या बात है। सर आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 44 ईयर्स होंगे ना, 44 साल हो गए इंडस्ट्री में, इस बात के लिए जोरदार तालियां।
इतना ऋषि सर अभी मुझे बोल रहे थे कि कुछ टेक्निकल बातें हो रही थी कि जब आप हाई पिच पे कोई गाना शूट कर रहे हैं तो उसको आपको इतने जोर से गाना लगना चाहिए कि आपका भी जोर लग रहा है कि वैसा नहीं, तो कहते हैं कि नीतू जी डिस्ट्रैक्ट होती थी एज एक्टर, आप डिस्टर्ब हो जाती थी? ऑब्वियसली कोई आपके कान में इतना बेसुरा गा रहा है, यू फॉरगेट योर स्टेप्स राइट, रिदम भूल जाते थे सब। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।